चलिए गर्ल्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है। आज है जनाब 30th ऑफ जून का लेक्चर है ये 2020 का, ठीक है। और हम करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑल्सो इन द लास्ट वी शैल बी डूइंग द सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर्स नंबर्स इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को। अगर मैं डिफाइन करूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है वो कहलाता है लॉग ऑफ सेट, ठीक है। और उसको अगर मैं कहूँ कि वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, तो डेफिनेशन ये है कि लॉग ऑफ सेट इज़ लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जबकि हमें पता है कि अगर लॉग ऑफ सेट कोई भी वेरिएबल लॉग ऑफ जी वगैरह पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आपस में इतना अटैच है, ई रेज टू पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड। मसलन अगर आप इन दोनों साइडों का डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी का ई ले लें, ई पावर ले लें, तो यहाँ ई रेज टू पावर डब्ल्यू आ जाएगा, ये आप सबको पता है, लॉग और ई कैंसिल हो गया और ये, ठीक है। ई रेज टू पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू जी का मतलब होता है कि डब्ल्यू जो है या पावर जो है वो लॉग ऑफ जेड से आपको हासिल हो सकती है। ये आप सब 9th-10th में पढ़ के आए हैं ये डेफिनेशन भी, और अभी हमने पीछे भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमने पढ़ा है ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि व्हाट इज़ लॉग ऑफ जेड, अगर हमें डिफाइन करना है, तो डब्ल्यू को अगर हम रियल नंबर की फॉर्म में ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले लेते हैं यू प्लस आई वी, तो हम देखेंगे ई रेज टू पावर यू प्लस आई वी क्या होगा अगर वो जी के बराबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे वो आ जाएगा ई यू प्लस आई वी, और दैट इज़ ई यू ई आई वी। और फिर हम कहेंगे कि जेड चूँकि इसके बराबर था, अभी हमने कहा कि z जो है वो e रेशो पावर w था, हम करेंगे e u cos of u v प्लस i sin of v, ठीक हो गया। इससे हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ z की वैल्यू क्या आती है, आप रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगी e u, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि फिर इसका मतलब u पार्ट जो था, यानी w का जो ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था जो कि हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकाला था log ऑफ़ z, उसका u पार्ट जो है वो ln ऑफ़ z आ गया। सिमिलरली अगर आर्गूमेंट ऑफ़ z निकालें तो वो वही है जो tan ऑफ़ v विल बी आर्गूमेंट ऑफ़ z, आर्गूमेंट ऑफ़ z, दैट मीन्स मतलब v जो होगा वो आर्गूमेंट ऑफ़ z होगा, तो आर्गूमेंट ऑफ़ z विल बी v, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि log ऑफ़ z को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो बनता है u प्लस आई वी, दैट इज़ मैं कह सकती हूँ log ऑफ़ z विल बी ln ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ़ z प्लस i arg ऑफ़ z। अगर आप इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं तो गुड इनफ, वरना हमेशा से आप log की वैल्यू जो है वो log ऑफ़ z की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, इसी तरह उसको आप पुट करेंगे कि उसको हम log ऑफ़ z को किसी वेरिएबल के बराबर पुट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम निकाल के देखेंगे e की पावर में डाल के, और हम इसको हमेशा से निकाल सकेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम कहें कि प्रिंसिपल लॉग को अगर हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल एल ओ जी से, जी से एल एन ऑफ जी, कैपिटल एल एन ऑफ जी भी याद रखें कि ये वाला लॉग जो है वो हमने ई की बेस में निकाला हुआ, पता है ना, क्योंकि ई से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमने निकाला था, ठीक है। तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट को अगर हम कैपिटल आर्ग ऑफ जी से रिप्रेजेंट करें, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल लॉग ऑफ जी विल बी एल एन ऑफ जी प्लस आई आर्गूमेंट ऑफ़ जी। मगर आपको पता है कि आर्गूमेंट के प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो अगर आर्ग ऑफ जी है तो जनरल वैल्यू क्या होती है, आपको पता है आर्गूमेंट ऑफ़ जी जो था या कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो अपने आप को उसका पीरियड जो था, या हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लिया था, उसका पीरियड 2πk था, यानी हर 2π की रोटेशन के बाद, इंटीग्रल रोटेशन के बाद जो था हमारे पास ये जो थीटा आता था या जो आर्गूमेंट आता था वो उसकी वैल्यू रिपीट हो जाती थी, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम कहें कि जनरल एंगल का मतलब हो गया, अगर जनरल एंगल का मतलब हो गया जो आर्गुमेंट ऑफ़ जी है प्लस 2πk, तो फिर हम लॉग ऑफ़ जी को लिख सकेंगे एल एन ऑफ़ जी प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ़ जी प्लस 2πk, यानी कि ये जनरल थ्योरम हो जाएगा कि अगर हम इसकी वैल्यू एल एन ऑफ़ जी प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ़ जी की वैल्यू अगर हम लॉग ऑफ़ जी के साथ लिखें, ठीक है, तो यहाँ पर लॉग ऑफ़ जी प्लस 2πk के आई हो जाता है, यानी जो जनरल है वो असल में है लॉग ऑफ कैप आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला जो लॉग है सी का प्लस 2πk आई हो गया, ठीक हो गया।
नेक्स्ट आता है, अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए कि लॉग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें, जैसे हमने लॉग ऑफ़ जी निकालना था, तो हमें क्या करना है, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ़ जी निकालना है, ठीक है, और उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ़ जी निकालना है। जब मैं आर्गुमेंट ऑफ़ जी निकालूंगी तो क्या करेंगे, सिंपली वाई ओवर एक्स करते हैं। जब हम वाई ओवर एक्स करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव पाई बाय थ्री आ जाएगा, और चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट हमने आपको डिफाइन करा के बताया यहाँ पर, ठीक है, वो होता है माइनस पाई में से ये निकाल दिया जाए पीस। अब जब ये पीस आया माइनस पाई बाय थ्री, तो जब हमने इसको निकाल दिया तो ये हम इन दोनों को निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस टू बाय थ्री, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें तो लॉग ऑफ जी क्या आता है, अगर हमने सिंपली प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द लॉग लिखना है, तो हम कहेंगे लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू एल एन ऑफ वन, ठीक है, प्लस आई, और जो आर्गुमेंट निकला था माइनस टू पाई, तो चुनाचे लॉग ऑफ वन इज़ वन, तो हम इस तरह ये निकाल सकते हैं लॉगरिदम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है, अब हम देखते हैं कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस किस तरह निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं, यानी साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, वो है एल एन ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये लॉग की फॉर्म में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पीछे हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया, उसको फिर हमने लॉग की डेफिनेशन के लिए यूज़ किया। इसी तरह हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जब डिफाइन कर रहे हैं तो अब हम लॉग की वैल्यूज़ को इसके साथ यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो वेरिएबल होगा, मतलब साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी फंक्शन जो है, इसका वेरिएबल जो है वो हम लॉग फंक्शन में अगर डिफाइन करें तो वो होगा जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस वन। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स होगा एल एन ऑफ जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस वन। इन सबको आप डेफिनेशंस में डालकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब आप डेफिनेशन लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, वो फिर एक कंबरसम प्रोसेस है। चुनांचे हम आपको बताते हैं कि सिंपलेस्ट तरीका हाइपरबोलिक फंक्शन को सॉल्व करने का, जो कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में याद करके आए हैं, करके आए हैं, वही हम सिखाएंगे कि अगर हमने किसी हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को यूज़ करना है तो या तो ये वैल्यूज़ याद कर लें, कहीं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ही आएगा तो आप एल एन ऑफ जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं, इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक और इसी तरह टैन वगैरह लिख सकते हैं। इन वैल्यूज़ को आप याद भी कर सकते हैं, नहीं याद करना तो हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है, मसलन आपको कहा जाए टाइन हाइपरबोलिक इनवर्स को आप प्रूव करें हाफ ऑफ एल एन ऑफ वन प्लस जी ओवर वन माइनस जी, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जैसा कि हम पीछे से हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास जी आ जाएगा जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शक्ल में लिखेंगे। देखिए सब पीछे से आपस में रिलेटेड हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद हम इसके अंदर वन प्लस जी करके देखेंगे, हमारे पास एक वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, उसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाता है टू ई टी ओवर ई रेज टू पावर टू टी प्लस वन। सिमिलरली वन माइनस जी करेंगे तो वन माइनस जी के लिए वन माइनस, फिर दोबारा जी की वैल्यू हम लगाएंगे और हमारे पास टू ओवर ई टी प्लस वन आ जाएगी। जब वन प्लस जी ओवर वन माइनस जी करेंगे तो ई टू टी आ जाएगी, और जब एल एन ले लेंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, टू टी आ जाएगा, और टी विल बी हाफ ऑफ एल एन ऑफ। देखें किस तरह आराम से प्रूव हो गया टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तो इन्वर्स फंक्शन को हाफ ऑफ एल एन ऑफ वन प्लस सी ओवर वन माइनस सी, ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये चीज़ ये वैल्यूज़ बेशक याद ना करें, लेकिन आप इस तरह सवालात जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के होंगे तो वो आपको एक मेथड सिखाया मैंने सॉल्व करने का। नेक्स्ट आ जाता है, अगर मसलन ये सवाल ही क्वेश्चन नंबर फाइव मैंने एक्सरसाइज 1.3 का लिया है, ठीक है, और वो है टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स को आपने प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ जी को आपने प्रूव करना है, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा वो जेड ओवर वन माइनस जेड स्क्वायर का, ठीक हो गया। तो वो आपने प्रूव करना है कि जो टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का इन्वर्स जी का जो फंक्शन है वो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड ओवर वन माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट का फंक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो टैन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ जी हम पहला स्टेप करेंगे, ठीक हो गया, फिर दोनों साइडों पे हम टैन ले लेंगे, यानी इन्वर्स फंक्शन ऑफ टैन हाइपरबोलिक ले लेंगे, ठीक है, टैन हाइपरबोलिक का इन्वर्स का हाइपरबोलिक फंक्शन बनेगा इन्वर्स, ठीक हो गया। उसकी वैल्यू हम एक्सपोनेंशियल पावर की शक्ल में डाल देंगे, ये तीसरा स्टेप है। हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या होती है, ई रेस्ट ऑफ पावर टी माइनस ई रेस्ट ऑफ पावर माइनस टी और ई टी प्लस वन प्लस ई रेस्ट ऑफ पावर माइनस टी। इसको अगर मैं सॉल्व करके देखूँ, खूबसूरत बना के देखूँ, तो ई टू टी माइनस वन ओवर ई टू टी, ये एलसीएम ले लेंगे ना ई वन ओवर ई टी का, ठीक हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमने जो इधर ये फंक्शन राइट हैंड साइड में पड़े हुए ये वाला फंक्शन आपने बनाना है ताकि, ठीक हो गया, ये चौथा स्टेप होता है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 माइनस जी स्क्वायर अंडर रूट लेकर देखें। जब मैंने इसे सॉल्व किया ठीक है, तो जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाता है 1 माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ET ओवर E2T प्लस 1 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर 2T आ जाएगा, 2 ET आ जाएगा और नीचे E2T प्लस 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास वो जो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स को हमने के इस फंक्शन के बराबर हमने टैन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी के फंक्शन को करना था, हमने वो फंक्शन जी ओवर 1 प्लस जी रखा। जी की वैल्यू थी E2T माइनस 1 ओवर E2T प्लस 1 और जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी वो थी ये आपके सामने पड़ी है, उसको हमने इन्वर्स कर दिया क्योंकि इसने डिवाइड होना। फिर हमने उसको काटा कूटा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमने काटेंगे ना ये कट जाएगा। उसके बाद ET को जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ET बच जाएगा, 2 नीचे मौजूद है, इससे करेंगे तो e^-2t आ जाएगा और वो चीज़ क्या है, साइन हाइपरबोलिक टी। और फिर हम इन्वर्स फंक्शन इधर भी लगा देंगे, इसके गिर्द भी लगा देंगे तो वो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स इधर आ जाएगा और साइन इधर टी रह जाएगा, दैट इज़ टी वॉज टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ जी। तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा, ये हमने इन्वर्स फंक्शन के लिए प्रूव करने थे। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी मुख्तलिफ वैल्यू 6 की 6 आपको दी हुई दिखाई हुई है, यानी कि इन्वर्स के लिए भी यही मेथड अडॉप्ट करना है कि साइन हाई इन्वर्स ऑफ जी इज इक्वल टू 1/i log(i z) प्लस 1 - z² अंडर रूट। इसी तरह आपने ये भी प्रूव करना, दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल डू इट योर सेल्फ। उसके बाद हमें एक और तरीका है कि हमने अगर सेपरेट करना है इन्वर्स फंक्शन को इंटू रियल एंड इमेजरी पार्ट्स, ठीक है, तो अब सबसे पहला मेथड मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि वो है अगर टेन इन्वर्स एक्स प्लस आई वाई को हमने जनाब करना है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है जी। अब हमें ये करना है कि हमने